फातिमा हेलो क्या कर रहे हो आप मैं पढ़ आप कुछ नहीं और ये कौन आ गया छोटा सा बेबी जवान जवान भैया कर क्या है जी है जान क्या कर के आए नहीं नहीं क्या है और दुआपत में क्या कर रही है स्पोर्ट कर रही है हम जान के कह रहे हैं घर हमारे घर जाना है हैं शाजिम कहाँ है बेबी कहाँ है बेबी अंदर है यहाँ पे दबा सट जो है स्पोर्ट जा रही है सारे बच्चे आ गए पर वो लग रही है इसको लग रही है लग रही है इसको स्टॉप स्टॉप हेलो अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से बिल्कुल फिट और आज है जुमे का दिन और माशाल्लाह जो है बहुत ही बिज़ी अनफार्ग बहुत ही बिज़ी स्टार्ट जैसे हमेशा होता है सबसे पहले बच्चों को स्कूल भेजा दुआ को गन्ना गार्टन छोड़ा और उसके बाद जो है आज हरीम की अपॉइंटमेंट थी पिछले एक हफ्ते से हरीम घर पर ही है तो इसलिए आज उसका नॉर्मल चेकअप था तो हम लोग गए उसको डॉक्टर के पास लेकर तो माशा आल इज़ वेल सब ठीक ठाक तो उसके बाद हम घर आए घर आ थोड़ा काम काज किया और आज चूँकि गाड़ी मेरे पास थी तो काफ़ी अरसे बाद मेरे पास आई तो मैंने सोचा क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए और कहीं बाहर जाऊँ बच्चों को लेके तो जुमा था बच्चों को जल्दी छुट्टी हो गई और दुआ को हमने किंडा गार्डन से लिया और उसके बाद हम गए अपनी मेरी देवरानी के घर और वहाँ पे बच्चों ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया मतलब दो तीन घंटे हमने गुजारे जुहान का छोटा सा भाई है क्यूट सा उसको उठाया और खैर उसके बाद हम मार्केट आ गए बच्चों ने स्कूल की कुछ चीज़ें लेनी थी तो वहाँ से जो कि बहुत जरूरी थी वो सब चीज़ें लेके हम लोग जा रहे हैं अब मस्जिद की तरफ़ मेरी नान और देवरानी ने जो है वो बच्चों के बाल कटवाने थे तो इसलिए हम जा रहे तो हमने सोचा कि मैं भी चली जाती हूँ साथ में और आप लोग सोच रहे होंगे मस्जिद में बाल कटवाने हाँ जी बिल्कुल सही सुना है आपने और ये है वो मस्जिद ये पूरी बिल्डिंग जो नजर आ रही है ये मस्जिद है माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है तो यहाँ की जो तुर्कश मस्जिद है ये जो है अलीमान है मतलब यहाँ पे छोटे बच्चों के बाल भी कटवा सकते हैं और जुमे का जब जु, जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद लोग जो है ना अक्सर यहाँ पर बैठते हैं और या कोई फेस्ट वगैरह हो तो यहाँ पर तुर्कश जो है ये यह सारे यहीं पे करते हैं और यहाँ पे तुर्कश जो होती हैं स्पेशल चीज़ें जो उनका खाने वाने वो यहाँ पे बनते हैं और लोग खरीद के खाते हैं और यहाँ से चीज़ें जो है वो पानी वानी निकाल सकते हैं और ये है मर्दों के नमाज़ पढ़ने की जगह तो यहाँ पे जो है वो कहवा भी मिलता है यहाँ का इनका जो स्पेशल तुर्किश कहवा होता है और इसके अलावा बच्चों के कुरान पाक पढ़ने के लिए अलग से रूम बने हुए हैं और काफ़ी यहाँ पे चीज़ें हैं और ये जो है कहवा पीने की जगह है तो ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है और इनके फेस्ट फे वगैरह होते हैं ना वो भी इसी हाल में ही होते हैं मस्जिद में तो ऊपर जो है वो है नमाज़ पढ़ने की जगह औरतों के लिए तो हम जब भी आते हैं ना हम अभी हैर सेकंड टाइम आए हैं तो बहुत सारा टाइम हम यहाँ पे स्पेंड करते हैं मतलब यहाँ से जाने का दिल नहीं करता अच्छा लगता है सुकून मिलता है और हम काफ़ी देर यहाँ पे टाइम गुजारते हैं अभी चलते हैं ऊपर और ऊपर जाके मैं आपको दिखाती हूँ औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह तो सबसे पहले चलते हैं वाशरूम में वाशरूम में जो है वाशरूम बहुत नीट एंड क्लीन थे और यहाँ पे जूते पड़े हुए थे हमने शूज़ उतारे और वज़ू करने के लिए चप्पल पहन ली और वाशरूम जो है क्या बोलते हैं दो किस्म के मतलब पाकिस्तानी टॉयलेट्स वगैरह जैसी होती हैं वैसे और दूसरे भी मतलब जहाँ जिल चाहे जाओ और उसके बाद यहाँ पे वज़ू किया और काफ़ी साफ सुथरा माहौल है यहाँ पे और छोटे बच्चों के लिए जो है पैम्पर चेंज करने के लिए बाहर टेबल भी रखा हुआ वाने जो है उस पर हम चेंज करवा सकते हैं तो खैर जब निकलते हैं बाहर तो सामने स्काफ भी पड़े होते हैं और स्काफ़ भी ले सकते हैं 太臭 तो ये है ऊपर वाला खूबसूरत सा हिस्सा जहाँ पे औरतें नमाज़ पढ़ती हैं और बहुत ही नरम मलायम जो है वो नीचे कालीन बिछा हुआ था और हम सब ने यहाँ पर नमाज़ अदा की और बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा और ये था नीचे वाला हिस्सा जहाँ पर मर्द नमाज़ पढ़ते हैं और यहाँ पर ऊपर जो है ना इसकाफ़ वग़ैरह हिजाब पड़े हुए थे और पूरा कास्ट्यूम जो होता है नमाज़ पढ़ने का वो था तो हरीन तो बस वही बार बार चेंज कर रही थी और कभी नमाज़ पढ़ती थी कभी कुछ तो खैर ये था मेरा आज का भी आई होप आप लोगों को पसंद आया हो तो इंशाल्लाह फिर मिलूंगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा मेरे वीडियो को जो है ना लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इंशाल्लाह फिर मिलूंगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा ठीक है अल्लाह हाफिज़ बाय